हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सभी महापुरुष कौन थे? 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की याद करिए, उस वीरांगना को जिसके बारे में कहा गया कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगत तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ी थी, उम्र थी मात्र 26 वर्ष और वह विजयी हुई थी, अंग्रेज उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका संदेश देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्पाउल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी, ये सभी महान क्रांतिकारी, ये सब युवा ही थे। और वीर सावरकर को जब एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी, वीर सावरकर दुनिया के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस समय वीर सावरकर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। और याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुजार सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल, यानी ये सभी उस उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, और विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में, और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे, मात्र 39 वर्ष की आयु। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो।